अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ये जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ ना, जब मैंने बना के अपने घर वालों को खिलाई थी ना, तो उन्होंने बहुत वाह वाह की थी। तो जनाब, आज हम तैयार करने लगे हैं फहीता केसडियाज़। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसके लिए आपको चिकन चाहिए बोनलेस 250 ग्राम्स। इसको आपने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेना है। अब इसकी मैरिनेशन में बड़े बेसिक से मसाले जाएंगे, जिसमें नमक, लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर, लहसुन अदरक का पेस्ट और थोड़ा सा फूड कलर शामिल है। घबराना नहीं है, इन तमाम की क्वांटिटी जो है ना, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद ना, आपने इनको अच्छे से मिक्स करना है और इसके बाद 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है। 30 मिनट्स के बाद जनाब, एक पैन के अंदर आपने 2-3 टेबलस्पून ऑयल के ऐड करने हैं और चिकन को इसमें डाल के पकाना है, तब तक जब तक कि आपका चिकन गल जाए। इस दौरान इसमें कुछ सॉसेज जाएंगे, जिसमें सोया सॉस, रेड चिली सॉस और केचप शामिल है। पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि चिकन अपना पानी भी छोड़ेगा और इन सॉसेस के साथ बहुत अच्छी तरह कुक हो जाएगा। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको कुक होने में। इसके बाद इसमें कुछ वेजिटेबल्स आप ऐड करेंगे, जिसमें शिमला मिर्च और प्याज शामिल है। इन्हें भी चॉप करके ऐड करना है और मज़ीद सिर्फ 2 से 3 मिनट पकाना है और हमारी ज़बरदस्ती फिलिंग बिल्कुल तैयार है। अब जनाब, हम लेंगे टॉटिया रैप्स। अगर ये नहीं है तो आप रोटी भी ले सकते हैं, ब्रेड में भी फिलिंग कर सकते हैं। हाफ़ के ऊपर आपने फिलिंग स्प्रेड करनी है और उसके बाद इसके ऊपर आपने अपनी मोज़रेला चीज़ ऐड करनी है और इसको हाफ फोल्ड कर देना है। अब एक पैन को बिल्कुल हल्का सा ग्रीस करना है आपने ऑयल के साथ, और इसके बाद इसमें रख के इसको 5 से 7 मिनट लो फ्लेम पे पकाना है। इसके बाद आपने प्लेट रख के साइड इसकी चेंज करनी है और मज़ीद 5 से 7 मिनट पकाना है, तब तक जब तक कि इसके ऊपर खूबसूरत सा कलर आ जाए और इस पर एक क्रिस्प आ जाए। तो लीजिए जनाब, हमारा बड़ा ज़बरदस्त सा जो है फहीता केसडिया बिल्कुल तैयार है। आप इसको एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं, और अगर कट करना चाहिए तो ये देखिए, बहुत ही आसान तरीका है। आपने ट्रायंगल्स फॉर्म में इसको कट कर लेना है, ये देखिए। अच्छा, मेरी जो ये टॉटिया थी ना, ये काफ़ी इसका बड़ा साइज़ था, तो इस जो हमने फिलिंग तैयार की है ना, उससे 2 बड़े साइज़ के तैयार हुए थे। तकरीबन 8 ट्रायंगल्स आसानी से बन गए थे। तो जनाब, ये थी हमारी आज की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार बनती है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा कि आपके फहीता केसडियाज़ कैसे बने। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।